जी बिल्कुल, मोदा सलारे के अंदर जो मुख्तलिफ जानवरों की हिलाकत का मामला है उस पर सूबाई हुकूमत ने एक्शन लिया और डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जो है सोहेल मंजूर साहब वो चिन्योट आए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो विजिट भी किया। मैंने पहले एक डेरे में जाके चेक किया, तारिक नाम के वो डेरा था, तो उन्होंने वहाँ पर जो उनके बैटरी असिस्टेंट हैं उन्होंने अपना बैटरी असिस्टेंट हायर किया हुआ है। उसने बताया कि इस महीने के 2-3 हफ्ते पहले हमारे तकरीबन कोई 6 से 8 जो छोटे जानवर थे वो एक्सपायर हुए हैं। वहाँ पर हमारे जो मौके पे मौजूद वेटरनरी ऑफिसर थे डॉक्टर बासत, उन्होंने जाके चेक किया, उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पर उनका साइलेज जो था वो कुछ ठीक नहीं था। उसमें उनको कुछ महसूस हुआ कि ये ठीक नहीं, इसको तब्दील बंद होना चाहिए। जैसे हमने उसका साइलेज बदला तो माशाल्लाह जानवर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाकी जो जानवर थे 2 डेरा जात में, उनको जब हमने जाके देखा तो वहाँ पर उनके जानवर मरे नहीं थे। 2 जानवर जो थे वो स्लॉटर किए थे, ज़बह किए थे। ज़बहशुदा जानवर में हमारे जो डायग्नोस्टिक लेबॉर्टरी के इंचार्ज हैं डॉक्टर कैसर अजीज़ साहब, उन्होंने जाके देखा तो वो जानवर जो थे किसी हद तक उनमें मुँह खोर के निशानात नज़र आए। छोटे जानवरों में सेग्रीगेशन ना होने की वजह से, कुछ सर्दी होने की वजह से ये मौत हुई है। उस पूरे इलाके में जो है महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से वैक्सीन कर दी गई है। मुँह खोर बीमारी और नमोनिया की बीमारी की वजह से जानवरों की हिलाकत जो है वो सामने आई है। मजीद जब जो है महकमा लाइफ स्टॉक अमला उस इलाके में मुसलसल 1 हफ्ता जो है वो काम कर रहा है जी।